हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब मैं महक आप सबका स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल न्यू क्री गेम्स इतना में दोस्तों एक बार फिर से हाजिर ने बहुत ही प्यारी सी नई सी गेम लेकर तो चलिए गेम शुरू करते हैं लेकिन प्लीज़ प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लग रहा है ना तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर ज़रूर कर देना और नोटिफिकेशन बैल भी ज़रूर दबाना बहुत अच्छा लगता है आपका लाइक सब्सक्राइब करना तो चलिए करना क्या है इस गेम के लिए आपको इस तरीके की एक क्लिप चाहिए क्लॉथ क्लिप चाहे ऐसी ले लो या ऐसी ले लो जो भी आपके घर में अवेलेबल हो और उसके बाद आपको कुछ चाहिए क्वाइंस ठीक है तो उसमें एक के पाँच के और दो के मैंने सिक्के लिए हैं अराउंड तीस तीस सिक्के मैंने तीनों के लिए हैं है। आपके पास ज़्यादा हो तो ज़्यादा ले लेना लेकिन इक्वल क्वांटिटी में लेना तीनों कम हो तो कम भी थोड़ा चलेगा लेकिन इतने तो ले ही लेना और एक क्वांटिटी इक्वल होना बहुत ज़रूरी है ठीक है तो जैसे अगर मैंने इसमें तीस मैंने इसमें लिए हैं तीस एक के कोइंस तीस दो के कोइन और तीस पाँच के कोइन ठीक है अब आपकी मर्ज़ी है आप थोड़े से ज़्यादा भी ले सकते हो और थोड़े से कम कर सकते हो मतलब पच्चीस पच्चीस भी कर सकते हो अगर आपके पास नहीं है तो अगर ज़्यादा है तो आप इतना ही रखो या इससे ज़्यादा रखो तो चलिए करना क्या है इस गेम के लिए आपको क्या करना है जो भी किटी मेंबर होगा उसके लिए आप एक मिनट का टाइम सेट करोगे और उसकी आंखें बंद कर दो ये एक कपड़े से लेकिन उससे पहले उसको एक चांस ज़रूर दोगे कि वो ट्राई कर ले कि ये गेम आखिर करना कैसे है ठीक है तो उसको ऐसे एक बार चांस दे देना कि वो उठाकर देख ले कि इसमें आखिर ये सिक्के उठते कैसे हैं दूसरे हाथ का भी सपोर्ट ले सकते हैं ठीक है थीके? तो वो एक चांस ऐसे ट्राई कर सकता है और इधर सामने उसको नीचे रखने हैं ठीक है थीके? ये क्वाइंस यहाँ पे तो चलो फिर उसका आप टाइम स्टार्ट करना एक मिनट उसकी आंखें बंद करना और उससे पूछना कि आपको कौन सा क्वाइन चाहिए ठीक है जैसे वो अगर एक के साथ जा रहा है दो नंबर दो के कोइन के साथ जा रहा है या पांच के कोइन के साथ जा रहा है वो उसकी मर्जी है तो जैसे मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर रही हूँ एक का कोईन ठीक है एक का कॉइन मैं सेलेक्ट कर रही हूँ अब मेरी आंखें आप बंद करेंगे और उसके बाद एक मिनट का टाइम सेट करेंगे और उसको क्या करना है इस क्लिप से उठा कर यहाँ पर सिक्के रखने हैं तो जैसे मेरा टाइम शुरू होता है अब अब मैं अपनी आंखें बंद कर रही हूँ और मैं ट्राई कर रही हूँ निकालने का कि मैं बिल्कुल भी चीटिंग नहीं करूँगी आप देखना कि इसमें कैसे निकल सकते हैं कि कैसे नहीं निकल सकते हैं ठीक है थेके? मेरी आँखें अभी बंद होंगी मेरा टाइम शुरू होता है अब मुझे फील हो रहा था कि अभी सिक्के आ गए हैं देखो ठीक है क्योंकि वो भारी हो जाता है पता चल जाता है कि सिक्के आ रहे हैं तो सिक्के बाहर ही रखने हैं है ना अगर वापस से सिक्का अंदर ही रख रहा है तो वो काउंट नहीं होगा तो चलो मेरा टाइम यहाँ पर ख़त्म हो जाता है मेरे निकले इतने सिक्के देखो इतने निकल गए ना तो सबके ऐसे तो निकलेंगे ही सिक्के तो इसमें कोई टफ जॉब नहीं है आंखें बंद होने के बाद भी फील होता है कि इसमें सिक्के आ गए या नहीं और दूसरे हाथ का भी सपोर्ट लेते हैं तो ईजी हो जाता है इसमें आना ठीक है तो इसलिए कोई ज़्यादा टफ़ नहीं है एक बार उसको ट्राई करने का मौका ज़रूर देना क्योंकि आंखें बंद होने के बाद उसको समझ में नहीं आएगा कि कहाँ से लेना है और कहाँ उसको नीचे रखना है तो एक ट्रायल लिया हुआ होगा तो वो आसानी से कर सकेगा अब मैंने चूज़ किया था क्या एक का सिक्का अब इसमें जितने भी एक के सिक्के आएंगे ना अब देखते हैं कितना है तीन ये चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह बारह ठीक है बारह मेरा स्कोर है तो मैंने एक का सिक्का चूज़ किया था तो एक के बारह सिक्के निकले हैं तो बारह मेरा स्कोर है अगर मैं पाँच के चूज़ करती तो कितने निकलते वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन नाइन टेन एलेवन ट्वेल्व देखो इसके भी बारह ही निकले हैं और इसके देखें एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह अगर मैं दो के कोइन चूज़ करती तो मेरा ज़्यादा प्रॉफिट होता लेकिन फ़िलहाल मैंने एक का कोइन चूज़ किया है तो एक के कम निकले हैं तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि क्वाइंस और भी ज़्यादा हो ना फोर्टी फोर्टी हों फिफ्टी फिफ्टी हों तो ज़्यादा अच्छा है और भी ज़्यादा मज़ेदार सी गेम होगी किसी के बहुत ज़्यादा एक साथ निकलेंगे तो इस तरीके से बहुत ही मज़ेदार सी गेम है तो आ, इसमें आपको ये भी लग सकता है कि भाई दो के कोइन थोड़े बड़े होते हैं तो दो के कोइन आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं तो आप एक तरीके के दो के भी सारे कोइन्स ले सकते हो तो जिसके जितने निकले वो वो विनर तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो लेकिन ऐसा नहीं होता है जब बिना देखे निकाल दे तो कोई भी सिक्के निकल सकते हैं पाँच के भी ज़्यादा निकल सकते हैं एक के भी ज़्यादा निकल सकते हैं और अगर आपके पास एक ही तरीके के सिक्के हैं तो आप वो भी रख सकते हो जिसके सबसे ज़्यादा निकले तो बहुत ही मज़ेदार सी बहुत ही मज़े वाली गेम है जब सबकी आँखें बंद होंगी सब इस तरीके से गेम करेंगे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा तो चलिए खेलेगा इसको अपनी किटी में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा मिलते हैं अपने अगले वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय